इसके साथ ही जिन लोगों ने क्या कहते हैं नहीं कर पा रहे डाइट फॉलो, 50% भी अगर डाइट फॉलो करेंगे तो भी उनको फायदा होगा, बस कोशिश करते रहें। देखिए आज थोड़ी सी जो रिसर्च कहती है हमारी अकॉर्डिंग टू एकॉर्ड ट्रायल, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है साइंटिफिक बॉडी है अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, उनका एकॉर्ड ट्रायल निकला था जो है 2018 6 मार्च को, और अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च मतलब इट वाज अ वेरी गुड न्यूज फॉर द मतलब लोगों के लिए के मेडिसिंस किस तरह से डायबिटिक पेशेंट जो है मतलब फॉर द इफ उनका जो पहला जो रिसर्च का पॉइंट था वो ये था कि इफ यू आर एबल टू मेंटेन एन एवरेज ब्लड शुगर लेस देन और इक्वल टू 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, देन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ मेडिसिन, देन यू आर नॉट अ डायबिटिक पेशेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपका एवरेज शुगर जो मैंने बताया था फास्टिंग का शुगर रीडिंग और आपका रात का शुगर रीडिंग, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो जो शुगर रीडिंग अगर आपका आता है वो आपका 250 अगर है और वो विदाउट मेडिसिन, बिना मेडिसिन के अगर आप 250 का जो है एवरेज शुगर मेंटेन कर पा रहे हैं, इट मींस यू आर नॉट डायबिटिक। आपको मेडिसिन जो है जरूरत नहीं है, आपको टेपर करनी चाहिए मेडिसिन। पहली बात ये 250 का आंकड़ा याद रखिए, 250 तक अगर शुगर है और या उससे नीचे है तो आपको जो है मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप गूगल सर्च मारिए एकॉर्ड ट्रायल 6 मार्च 2018, ये आपको वहां से रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। तो ये बात आपको समझने की है, अगर दो व्यक्ति दोनों का 250 250 ब्लड शुगर लेवल आता है, एक व्यक्ति मेडिसिन से उसको 150 कर लेता है और दूसरा व्यक्ति 250 पे ही अपना व्यायाम डाइट और अपनी दिनचर्या से 250 तक मेंटेन रखता है, तो दोनों में से रिसर्च ने पाया जो व्यक्ति बिना मेडिसिन के 250 पे मेंटेन्ड है दैट इज फार फार हेल्दियर रादर देन द पर्सन जो अपनी मेडिसिन से 150 कर रहा है। आप देखिए अगर 250 से आपने मेडिसिन से 150 कर ली, ग्लूकोमीटर में रीडिंग आपकी 150 आ भी गई, तो लेकिन वो 100 शुगर कहाँ गई, वो आपके शरीर में ही है, बस वो मेडिसिन के द्वारा वो कहीं छुपा दी गई है, वो आपकी ग्लूकोमीटर की रीडिंग में नहीं आएगी, लेकिन वो आपके लिवर्स को आपके पैनक्रियास को किडनी को वो भीतर ही आपके रह के आपको डैमेज करेगी। तो दवाइयों से शुगर लेवल डाउन करना इसमें कोई समझदारी नहीं है, उससे आपके जो है हार्ट रेट हार्ट अटैक के और बहुत सारे कैंसर्स और बहुत सारी यानी कि आप अपने जो है मोर्टैलिटी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हैं यदि आप दवाइयों द्वारा अपना शुगर लेवल कंट्रोल करने की कोशिश करती है। बस आपको 250 अगर 250 से ऊपर है तो आपको थोड़ी मेडिसिन लेने की जरूरत है, वो भी कुछ समय तक लीजिए और जो ये डाइट बताई गई है उसको फॉलो कीजिए। जो ये ग्रीन लीव्स हैं मैंने कहा है कि हर मील से पहले अगर आप ये हरी पत्तियां खाएंगे घंटे 2 घंटे में आपका शुगर लेवल डेफिनेटली डाउन आएगा। फिर मैंने आपको वेजिटेबल्स बताए हैं, दूसरी कैटेगरी पे वेजिटेबल्स है तो स्प्राउट्स है, इन सब फूड्स को इनकलकेट कीजिए और अपना सोने जागने का रेस्ट वर्क का बैलेंस अगर मेंटेन करेंगे। इसके साथ ही मैं दूसरी रीडिंग पर आती हूँ जो हमारे रिसर्च में रिसर्च की फाइंडिंग्स ने ये पाया कि अगर आपका जो है HbA1c जो है वो जो डॉक्टर्स कहते हैं 6 तक करिए मेंटेन, वो 8 पॉइंट तक भी अगर आपका रहता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मेडिसिन टेपर करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आपको देखिए हमारे जो शुगर के लेवल के जो आंकड़े हैं 1994 तक 1999 का रादर कहूंगी जो आंकड़ा था उस 1900
1979 यानी कि 1979 से पहले कोई आंकड़ा, तब तक शुगर डायबिटिक कोई ऐसी जो बीमारी जो नहीं थी, हम लोग, मैं तो अपने बचपन में बिल्कुल याद भी नहीं है कि आसपास कोई जो है डायबिटिक सुनते भी थे। जितने आज घर घर में ग्लूकोमीटर हो गए उतने ज्यादा डायबिटिक हो गए हैं। अब बात यहाँ समझने की क्या है कि 1979 में कोई आंकड़ा नहीं था, उसके बाद तब तक नॉर्मल ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर सामान्य शुगर माना जाता था, तब तक कोई चिंता की बात नहीं थी। 1999 में WHO का आंकड़ा आया 126 या 126 से नीचे जो है, ये जो है आपका नॉर्मल ब्लड शुगर उन्होंने कहा। 2003 में ये जो है लेस देन 100, अगर 100 से ऊपर है तो प्री डायबिटिक है। और उसके बाद 2010 में जो है फास्टिंग शुगर, पीपी, HbA1c, ये सारे आंकड़े आने लगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पैरामीटर या रीडिंग है वो धीरे धीरे नीचे आती जा रही है, और जो शुगर के पेशेंट्स धीरे धीरे ओवर द टाइम बढ़ते गए। यानी कि या तो आप प्री डायबिटिक हैं अगर आप टेस्ट कराते हैं आज के जो पैरामीटर्स के हिसाब से, या फिर आप जो है डायबिटिक है, यानी कि दोनों सूरतों में आपको मेडिसिन खानी है, या तो आप बीमार पड़ने वाले हैं या बीमार है। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि ये जो आंकड़े हैं ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये अपनी मेडिसिन, और उसके चलते आपको अगर आज ये जो गाइडलाइन मैं आपको बता रही हूँ जो 2018 से निकली हुई है, अगर डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को बताएं, तो आई थिंक मतलब ये रिसर्च बता चुकी है कि 70% ऑफ द पीपल हु आर टेकिंग मेडिसिन फॉर डायबिटिक विल टर्न इनटू नॉन डायबिटिक। क्योंकि ये सारे 250 का लेवल, ये HbA1c का अगर 8% है, तो जितने लोग इस समय मेडिसिन डायबिटीज की ले रहे हैं दे नीड नॉट टेक मेडिसिन, उनको ये समझने की जरूरत है। और जिनका 250 से ऊपर आंकड़ा है उनको सिर्फ थोड़ा सा लाइफस्टाइल और डाइट पे काम करने की जरूरत है, और डाइट से ही उनके जो है सारी प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाएगी। क्योंकि मेडिसिन जो है हमारे शरीर में जाके, जो जैसे कहते हैं कि वी आर अ मेडिकलाइज सोसाइटी एंड वी आर मेड टू बिलीव कि देयर इज अ पिल फॉर एवरी इल, लेकिन हमें समझने की क्या जरूरत है कि देयर इज अ इल, अगर आप मेडिसिन मुंह में डाल रहे हैं तो आपके आने वाले समय में कोई ना कोई नई समस्या खड़ी होने वाली है। ये आप यहाँ पर जितने लोग पार्टिसिपेंट हैं ये अपना अनुभव कर चुके होंगे कि आपकी शुरुआत एक टेबलेट से हुई होगी, चाहे बीपी की वजह से, चाहे कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और धीरे धीरे वो संख्या बढ़ती चली गई। अब आपको एक 250 का आंकड़ा अपने दिमाग में फिट कर लेना है। सबसे पहली बात, अगर आपका ब्लड शुगर मैंने जो बताया है 250 या 250 से नीचे रहता है तो आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी जो भी मेडिसिन से टेपरिंग करनी है आप अपने डॉक्टर से बात करके करें, उनको भी एकॉर्ड ट्रायल के बारे में पूछें कि भाई आप इस रिसर्च के बारे में क्या कहते हैं। यू आर लाइक आराम से पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका 250 का आंकड़ा आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, कोलेस्ट्रॉल की जो भी मेडिसिन खा रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खाने की आवश्यकता, अगर आप इस डाइट पर हैं तो आप प्लांट बेस्ड डाइट खा रहे हैं, नो डेयरी नो एनिमल, और कोलेस्ट्रॉल बनाने की जो क्षमता है वो केवल एनिमल्स में है, यानी कि हमारी बॉडी हमारी जरूरत के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल बनाती है। तो जब आप ये प्लांट बेस्ड डाइट पे रहेंगे तो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल थ्रू द एनिमल फूड जाएगा नहीं, तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए बहुत बहुत घातक है। तो यदि आपकी टोटल कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग 250 है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट HDL, LDL, VLDL, लेकिन टोटल कोलेस्ट्रॉल, देखिए 250 का आंकड़ा अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अभी मैंने ब्लड शुगर लेवल की बताई कि अगर 250 है तो या उससे नीचे है तो मेडिसिन की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 250 अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल है आपका, टोटल कोलेस्ट्रॉल इज 250 या 250 से नीचे,
आपको मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल की उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए। आपका तीसरी जो चीज जिसके लिए आपको 250 का आंकड़ा अपने दिमाग में फिट करना है वो है आपका बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर आपका सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक अगर दोनों मिलाकर 250 या 250 से लेस है तो भी आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए कि ये बीपी, डायबिटीज ये कोई रोग नहीं है। देखिए डायबिटीज का मतलब है कि आपके एक पर्टिकुलर टाइम पे ब्लड में शुगर लेवल हाई हो गया है। हमारा शरीर में होमियोस्टेसिस, हमारा अब अंदर का जो संतुलन और इक्वानिमिटी रखने का जो मैकेनिज्म है, हर समय पर हमारे जो सिक्रीशंस हैं, हार्मोन्स हैं, इंसुलिन है, बॉडी हमारी बैलेंस करती रहती है। शुगर लेवल जो है कई बार डिलेड सिक्रीशन हो जाता है ड्यू टू फीवर, ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू सम स्ट्रेस इवन। तो ये सारे फैक्टर्स जो है इसके चलते क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब देखिए आप बीमार हुए, बुखार हुआ आपको, एक व्यक्ति को बुखार होता है वो कभी भी अगर डायबिटिक नहीं है तो वो अपना जो है शुगर लेवल चेक नहीं करेगा। वो अगर डॉक्टर के पास जाता है, अपोलो हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स उनका तुरंत शुगर लेवल देखेंगे। और ये बॉडी की टेंडेंसी है, जब आप बीमार होंगे, बुखार होगा, इन्फेक्शन होगा, तो ब्लड शुगर लेवल मोर देन नॉर्मल बॉडी करती है। उस समय यदि आप देख के कहीं कह रहे मैं तो मेरे को तो हाई ब्लड शुगर है, मैं डायबिटिक हूँ, और आप मेडिसिन पर आ जाएं, तो ये भूल होगी। इसी तरह से अगर आप जैसे ब्लड प्रेशर है, अब जैसे कुवैती पॉपुलेशन है वहां पर 160/100, नॉर्वे है वहां पर 150/90 बीपी नॉर्मल रहता है। वहां पर के जो लोगों के स्टैंडर्ड एवरेज ब्लड प्रेशर है वो 160/150/100 रहता है, वो सामान्य है। और जारावास जो मैंने कहा कि जो एक ट्राइबल एरिया है वहां पर हमेशा 90/60 रहता है लोगों का। तो इस बात से हमें क्या समझ आता है, वो बड़ी हेल्दी पॉपुलेशन है। नॉर्वे के भी लोग इतना बीपी होने के बावजूद भी आप 80-85 क्या उनका लाइफ स्पैन है। यहाँ मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि जिस तरह से अगर एक टायर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है वो हर टायर का एक निर्धारित एयर प्रेशर करती है, उसी पे चलना होता है, उसी प्रकार हमारी सबकी बॉडी यूनिक है। हम सबका नॉर्मल जो ब्लड शुगर, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, वो सबका अलग अलग अपने बॉडी के, अपने एनवायरनमेंट के, अपने जेनेटिक मेकअप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है। अब यही जो सीधा एग्जाम्पल मैंने बताया कि जारावास के लोगों का एवरेज ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर 90/60 है, और नॉर्वे में 160/100 या 150/90 के करीब रहता है, तो ये उनका नॉर्मल है। अगर यहाँ के पैरामीटर के हिसाब से यदि यहाँ के डॉक्टर को किसी को वहां भेज दिया जाए तो नॉर्वे में वो तो ब्लड प्रेशर लोवरिंग ड्रग्स पे डाल देंगे, और अगर उनको वहां भेज दिया जाए जारावास तो वो उनको बीपी बढ़ाने का। तो यहाँ समझने की क्या जरूरत है, हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन ये जानता है कि किस सिचुएशन में हमारा कितना बीपी होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये बात समझने की है कि अगर कॉन्टिन्यूसली आपका 160/100 है ब्लड प्रेशर, तो यू नीड टू काम डाउन एंड थिंक कि व्हाट आर द फैक्टर्स। आपका अगर स्ट्रेस, देखिए अगर मैं एक पाइप स्ट्रॉ ले लूं, ठीक है, स्ट्रॉ लेकर मैं उसके बीच में अगर कहीं दबाव डाल दूं तो दूसरी साइड पे प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है, जब वहां पर अगर हमारे जो आर्टरीज हैं उसमें कोई रुकावट है, ठीक है, तो हमारे रुकावट है, ब्लड को ज्यादा तेजी से पंप करना पड़ रहा है तो बीपी हमारा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो दवाइयाँ, दवाई क्या उस ब्लॉकेज को कम करती है? ठीक उसी तरह से जैसे डायबिटीज की मेडिसिन ने शुगर कहीं छुपा दी शरीर में, शुगर हटाई नहीं बॉडी से, वो डैमेज कर रही है, बस आपके ग्लूकोमीटर में रीडिंग आ गई सही। उसी तरह से ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ने जो कॉज है ब्लड प्रेशर का, आपका जो कॉज था वो था टॉक्सिंस ब्लड में,
जो कि जिसकी वजह से ब्लड को ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां रुकावट आ रही है, वहां प्रेशर जो है पहुंच नहीं पा रहा, तो बॉडी हमारे जो हार्ट को है ज्यादा प्रेशर से काम, तो वहां पे जो कॉज है, जो रूट है ब्लड प्रेशर का, वो आपका है ब्लॉकेज। तो आपकी दवाई उस ब्लॉकेज को दूर नहीं कर रही, क्या वो ब्लॉकेज को दूर कर रही है? आपका ब्लड प्रेशर डाउन आ जाएगा मेडिसिन से, क्योंकि वो ब्लड ब्लड को थिन करेगी, या उस कम पासेज से ब्लड को पास करने में, तो लेकिन जो कॉज है, जो ब्लॉकेज है, वो वही की वही है। यानी कि सरासर आपको अपने लाइफस्टाइल, अपने डाइट और इन मेडिसिन, यदि आप सोच रहे हैं, अगर आपके आंकड़े सही भी आ रहे हैं, आपने बड़े आप खुश होते हैं कि आपने मेडिसिन खा ली और आपका आंकड़ा, लेकिन याद रखिए कि वो मेडिसिन जाके आपकी समस्या की जो रूट है, जो जड़ है, उसे दूर नहीं कर रही। सिर्फ सिम्टोमेटिक आपको देख के खुशी हो जाती है कि मेरा बीपी डाउन आ गया है। तो करना क्या है? करना बिल्कुल वही सिंपल है, अपना जो है डाइट जो है हमारी प्लांट बेस्ड होलसम डाइट है, आप ज्यादा से ज्यादा, आप शुरू में जिस समय आपकी इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम ज्यादा है, उस समय 80% रॉ डाइट खाइए, और बहुत कम जो है आप कुक्ड फूड खाइए। कुक्ड फूड आपको एनर्जी देगा, नो डाउट, लेकिन जो भीतर आपकी जो त्रुटियां हैं उसको इम्प्रूव और रिपेयर करने के लिए आपको रॉ डाइट चाहिए। वो आपको वैरायटी इतनी दे दी है मैंने कि आप अपना जो है कच्चे सैलड्स खाइए, कच्चे नहीं खा सकते, उसका जूस, वेजिटेबल जूस बनाइए, हरी पत्तियों का सेवन। आप देखिए, आप कहेंगे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मैं अपनी डाइट में बिल्कुल नहीं देती हूँ। जितने भी आप ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई हड्डियों मजबूत कैसी होंगी, कैल्शियम कैसे मिलेगा, तो आप बताइए कि एक गाय जिसका आप सोचते हैं कि दूध बड़ा कैल्शियम से युक्त है, वो क्या खाती है? हाथी से तो ताकतवर किसी की हड्डियां नहीं होंगी, वो प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं। अगर बीमार भी होते हैं जानवर, अगर शेर भी बीमार होता है तो वो जाके पत्तियां खाता है। आपके घर में पेट्स भी अगर बीमार पड़ते हैं तो वो जाके पत्ती खाते हैं, घास खाते हैं। तो इसीलिए हमें भी वही प्रकृति के नियम का पालन करना है। हमें ज्यादा से ज्यादा ये प्लांट बेस्ड होलसम और नेचुरल डाइट लेनी है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो आजकल की दिनचर्या है, बहुत स्ट्रेस में हम लोग रहते हैं, तो अपनी दिनचर्या में 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग, आपको ज्यादा समय नहीं मिल रहा, रोज आप योग नहीं कर पा रहे, लेकिन 10 मिनट का डीप ब्रीदिंग आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। ओम चैंटिंग नहीं कर सकते, कम से कम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम यदि 10 मिनट तक डेली कोई व्यक्ति करता है, उसकी बीपी की मेडिसिन छूट जाती है ओवर द पीरियड ऑफ 15 से 1 महीने में। आप प्रैक्टिस करके देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनका चमत्कारी प्रभाव है। तो इनको इनकलकेट करिए अपने माइंड को। देखिए, ये कहना बहुत आसान है, मैं बड़ी आसानी से आपको कह दूंगी कि स्ट्रेस, आप कहेंगे मैडम आप क्या जानती हैं कि हमारे जीवन में कितना स्ट्रेस है। बिल्कुल स्ट्रेस है, मैं मानती हूँ कि आजकल बहुत चैलेंजिंग टाइम्स है, स्पेशली हम लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, सबके साथ बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, इनकम लो हो रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, कोरोना का कोई अता पता नहीं है, कब जाएगा कब नॉर्मल, तो ये सारे स्ट्रेसेस हैं, नो डाउट। लेकिन इसमें हमें कोप अप करने के लिए हमें जो टूल्स चाहिए, अपने आप को उससे इक्विप कीजिए। आप खुद स्वयं अगर स्वस्थ होंगे, आप देखेंगे कि आप पूरे परिवार में धीरे धीरे वो रिपल इफेक्ट आएगा। आप स्वयं को बदलें, अपनी डाइट को करने की कोशिश करें, और धीरे धीरे पूरे परिवार को अपने साथ सम्मिलित करें, और ये अपने माइंड को काम करने के लिए अपना दिनचर्या में योग या प्राणायाम और कुछ एक ऐसी एक्टिविटी अपनी एंजॉयमेंट के लिए, चाहे वो म्यूजिक है चाहे वो डांस है, थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालें। याद रखिए, जान है तो जहान है, आप तब तक नहीं काम कर पाएंगे जब तक आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं होंगे। और स्वस्थ रहना, यकीन मानिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग शुरू में लगेगा, लेकिन फिर ये आदत बन जाएगी और आपको उसमें फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। कुछ ही दिनों में आपने अनुभव किया, आपके जो लोग भी सीरियसली डाइट फॉलो कर रहे हैं उन्होंने अपना ये पाया ही होगा। तो निरंतर कोशिश करते रहे और इसी ओर अग्रसर होते रहे।
और यही है इलाज, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। यदि आप ये रास्ता छोड़ेंगे तो फिर अपनाएंगे क्या? और कोई रास्ता नहीं है, और कोई चारा नहीं है। दवाइयां तो रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। आपकी स्वस्थता का रास्ता इसी तरह से शुरू होगा। मैं ये नहीं कहती सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आप इनकलकेट एक दिन में कर पाएंगे, लेकिन शुरुआत कर दीजिए, कोशिश कीजिए। कुछ परसेंट आज किया, कुछ परसेंट और बढ़ाया आगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के लेक्चर का समय यहीं पे समाप्त होता है। यदि कोई प्रश्न अगर आपके है मुझे अपने डायबिटीज, और याद रखिए 27 का दिन लास्ट डे, अपने फीडबैक के साथ रेडी रहिएगा। अपने सामने लिख के रखिए कौन कौन से पैरामीटर्स में कितनी कितनी टेपरिंग हुई, आपकी बकायदा हम रिकॉर्डिंग करेंगे। और जो लोग सुनेंगे वो लोग लाभान्वित होंगे कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे सरोगी सर ने कहा कि भाई आपको विश्वास नहीं था कि आपका इतना शुगर लेवल जा सकता है। यकीन मानिए, आप बस राह पर चल के तो दिखाइए, आपको खुद ही चमत्कार महसूस होंगे। मिरेकल इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम यू, राइट? सो कोई प्रश्न है? गीता जी की मेडिसिन भी छूट गई है। गीता जी, आई एम सो हैप्पी। बहुत बढ़िया। तो जो लोग भी करेंगे फॉलो, अनम्यूट करें मैडम, आप अनम्यूट करें। मैडम, मैं चाह रहा था कि ये जो हेलो। शुगर है, गीता जी से एक मिनट बात कर ले पहले। हाँ हाँ गीता जी, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। अनम्यूट करें मैडम, अनम्यूट नहीं हो रहा, अनम्यूट नहीं हो रहा। नहीं हो पा रहा इनका, अनम्यूट नहीं हो रहा जब तक, तब तक। हाँ अनम्यूट नहीं हो रहा आपका। चलिए बाद में बात करती हूँ मैं आपसे, ठीक है? कोई बात नहीं। हाँ सरोगी सर, आप बताएं, फिर रमनीत जी के मैम, पास आते। हाँ आपने जो बताया कि उसको लाइफ में अपने को इनकलकेट करना है, और जो भी प्रैक्टिस अब धीरे धीरे हम लोग अपने लाइफ में अपना रहे हैं, आपने जो 15 दिन का जो ये सेशन रखा है ये सफिशियंट नहीं है। मेरे को लग रहा है कि उसको 15 दिन और बढ़ाना चाहिए कम से कम। आप ऐसा करिए, बल्कि पता ही क्या है, 15 दिन में आपकी ट्रेनिंग हो गई, आपको, आपने सीख लिया क्या करना है। बल्कि अच्छा है, अब थोड़े दिन के गैप में आप अपना, अपने आप इनकलकेट करिए। उसके बाद अगले डायबिटिक कैंप में फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको जरूरत लगेगी। जी हाँ रमनीक जी सर बताएं, अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें। यस ये यस टुडे जी, आई चेक माय बीपी, इट वाज 99/67 इन द मॉर्निंग। ओके। सो मींस एनी इट मींस हाउ कैन आई मींस इट्स ओके बीपी 99/67। नो इश्यूज, दोनों का हाँ थोड़ा सा लो चला गया, लेकिन इसकी वजह क्या है वो आप अपना देख लीजिएगा कि क्या ऐसा हुआ है। I'm just taking simple diet. I'm taking simple diet. कुछ और तो हाँ सिम डाइट आई एम टेकिंग। और ओके सेकेंडली यू सेड कि बीपी का हाउ कैन आई चेक विदाउट मेडिसिन, माय टोटल 250, शुड आई स्टॉप माय सॉरी शुगर मेडिसिन राइट नाउ? आपकी वही 250 और या 250 से नीचे अगर आपका डायबिटिक आई एम सेइंग शुगर एडिक्ट। अभी तो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। आई एम हाँ सीइंग जस्ट अर्ली अर्ली इट वाज 1000, नाउ इट्स 500, बट शुड आई स्टॉप माय मेडिसिन टू सी दैट? वी शुड टेपर इट फर्दर, थोड़ा सा आदि कर दीजिए और इससे। ओके बिकॉज देखिए ओवर द इयर्स, याद रखिए इतने सालों तक जो लोग मेडिसिन खाते हैं उनको धीरे धीरे टेपरिंग करनी चाहिए। जैसे आपने 1000 से 500 पे आए, अब उससे थोड़ा सा और 250 पर आए, और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी आपकी। सो शुड आई कंसल्ट टू माय डॉक्टर और शुड आई टेपर हाँ माय? हाँ नहीं, आप देखिए जो भी काम करें अपने डॉक्टर को अपना चार्ट दिखाइए और उनसे राय लीजिए, उनसे जरूर राय लीजिए। क्योंकि मैं आपको रास्ता बता रही हूँ कि इस रास्ते पे चलिए। वहां पर जो मेडिसिन का पार्ट है वो प्लीज कंफर्म विद योर डॉक्टर, विद योर डायबिटोलॉजिस्ट, ओके राइट? एंड अदर वे नो मेजर थिंग, बिकॉज़ बीइंग अ शुगर पेशेंट एंड ऑल, हमारे खून में इतना शुगर है तो लॉट ऑफ यू नो मॉस्किटोज व्हेन आई सपोज एट होम, किसी को नहीं लड़ेंगे, मुझे ज्यादा लड़ने शुरू हो जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। हाँ नहीं, ये ऐसा होता है कि डायबिटिक के पेशेंट्स को जैसे इचिंग और ये स्किन इन्फेक्शन, ये ज्यादा, दे आर मोर प्रोन टू इट।
इंट्रैक्शन ज्यादा होती है मच्छरों को मिलने और आप लोगों को अपने पैरों का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन लोअर एक्सट्रीमिटीज पे थोड़ा सा कम हो जाता है, तो अपना जो है पैरों को कवर करके और अपना शूज वगैरह पहन के नंगे, क्योंकि अगर कुछ कई बार चुभ जाता है तो सेंसेशन नहीं होती, पता नहीं चलता, तो वहां घाव हो जाता है और वो ढीले लेता है, तो स्पेशल केयर ऑफ योर फीट इज नेसेसरी, ताकि वो नमनेस के कारण कई बार आपको सेंसेशन नहीं होगी, आपको कुछ चोट लगी और फिर वो खून भी निकल गया तो भी नहीं पता चलेगा, तो इसका स्पेशल अपना पैरों का ध्यान रखें, कवर करके नंगे पैर कोशिश करें, घास वास पे मत चलें, क्योंकि अगर जहाँ की श्योरिटी नहीं है, जहाँ साफ ऑफ है वहां तो आप चलें, तो इस तरह से छोटी छोटी प्रिकॉशन लीजिए और वी आर ऑलवेज देयर, कैंप खत्म हो जाए तो भी हम से आप कभी भी फोन करके बात कर सकते हैं। तो ये आप और कोई प्रश्न, कोई यदि विपिन जी कैसे हैं सर जी, थोड़ा सा जैसे कईयों की दिनचर्या ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट करना तो आपको ही पड़ेगा सर, मैनेज कैसे भी करो, डाइट मैनेज करो, थोड़ा सा लाइफस्टाइल मैनेज करो, ये प्लीज करो सर, इसके मतलब इससे अलावा जो है रास्ता नहीं है, और वो ही आपको दवाइयां, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमें जो है दवाइयों से छुटकारा लेना है, ये मन में जो लोग हम लोग ये मान लेते ना कि ओहो अब तो दवाइयों के सहारे जीना पड़ेगा, वो मेंटेलिटी हटाइए, अपनी दिव्यता को पहचानिए, अपनी जो जो ग्रेटनेस है, हमारी बॉडी इज सो सो सुपर फाइन, बस इसको थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है आपके डाइट आपके लाइफस्टाइल से, इट विल डू वंडर्स फॉर यू, बाकी सब हमारे अंदर है, सारी डिविनिटी हमारे अंदर है, उसको पहचानिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सो गिव योर कमिटमेंट, शो योर कमिटमेंट एंड द रिजल्ट्स विल बी मिरेकुलस, दैट वी कैन प्रॉमिस, राइट मैडम। डायबिटीज की इसकी वो है ना, बीपी की तो डॉक्टर बोलते बंद नहीं करने, एक बार लिया तो बंद नहीं करने का, डॉक्टर्स तो मना करेंगे, डॉक्टर्स तो उनका काम है, उनको हाँ। भी जितनी नॉलेज है जितना फील्ड के हिसाब से, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप बीपी की मेडिसिन खा रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया कि वो हाँ। जो कॉज है, जो कारण है बीपी का, जहाँ ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को वो प्रेशर जोर से करना पड़ रहा है, वो दूर नहीं हुआ, आप प्राणायाम करिए, भ्रामरी करिए, आप धीरे 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 उसकी मेडिसिन टेपर कीजिए। आपका ब्लड प्रेशर कितना है आज की डेट में? अच्छा वो नहीं चेक किया, पर मेरा नॉर्मल ही आता है, डॉक्टर के पास चेक करते नॉर्मल आता है। देखिए मैंने आपको बताया था दो तीन कंडीशन में बीपी ज्यादा होता है, मौसम के हिसाब से सर्दियों में थोड़ा बीपी बढ़ेगा, और आपका जो है ये क्या कहते हैं एकदम से आप काम के बाद भोजन के बाद अगर बीपी लेंगे तो वो बढ़ा हुआ होगा, तो वो एक टाइम पे निर्धारित करके एक हफ्ते तक आप अपना टेस्ट कीजिए, और मैंने आपको बताया कि अगर आपका सिस्टोलिक ऊपर और नीचे का दोनों को मिला के अगर 250 है तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, 250 या कम आता है मेरा तो 96, 40, 60 और 90 आता है। हाँ तो आपका कितना हो गया 250 क्या कहते हैं कितना हुआ टोटल 90 और 40, 60 आता है ऐसे कभी कभी। हाँ तो क्योंकि और एज के साथ अगर एक 20 साल का व्यक्ति है 20 से 30 साल में तो उसका 120/80 होगा, लेकिन जैसे जैसे आप 50-60 की एज में जाते हैं तो 140/90 वो नॉर्मल हो जाता है। अच्छा। तो एज के साथ बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा तो इससे, और आप थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास है इन तरीकों से, नेचुरल तरीकों से आप रहिए, और फिर भी आप अपने डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें, जो भी काम करें जो भी ट्रीटमेंट करें आप डॉक्टर को अपनी कॉन्फिडेंस, सुबह भी गोली लेती है मैं, सुबह भी लेती है गोली, तो वो भी आदि करूं। हाँ मतलब आप धीरे धीरे अगर दो गोलियां कोई बीपी की लेता है तो वो पहले एक करे फिर एक ही लेती है मैं, तो उसको आदि करके देखिए फिर चेक करिए। हाँ शुगर की है ना मैं सुबह भी लेती है शाम को भी लेती है, तो सुबह की भी आदि करूं। आपने अभी शुगर की बात कर रहे थे या बीपी ब्लड प्रेशर? बीपी की भी बोल रहा है, आप भी शुगर की बोल रहे मैं कि वो आपने रात को आदि बोल रहा ना करने हाँ, को हाँ। सुबह की आदि करूं
रात की आपको आधी करनी है, सुबह की मत करिए, क्योंकि आपकी जो क्रिटिकल शुगर रीडिंग है वो फास्टिंग की है, वो बहुत 67 तक आ गई है, तो इसलिए आपको रात की मेडिसिन कम करनी है, बाकी आप चलने दीजिए। चलिए फिर आ गया है, हैव अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू, एंड बस अपनी जो स्पिरिट्स है अपना मोटिवेशन बनाए रखिए, अपने पथ से डगिए, गिरिए मत, गिरना नेचुरल है। हाँ विपिन जी। मैम जैसे मेरी मॉर्निंग की 110 है और आफ्टर ब्रेकफास्ट इज 150, तो मेडिसिन कौन सी कम करूं, रात वाली या मॉर्निंग वाली? 150 आपकी है ना, तो आपका मॉर्निंग का अभी तो शुगर ज्यादा ही है, थोड़ा सा और भी कम हो सकता है। रात को कितनी लेते मेडिसिन? मेडिसिन 1 टैबलेट। और दिन में 1? 1 बिफोर ब्रेकफास्ट। पूरे दिन में कितनी है आपकी मेडिसिन? 2 है। तो एक बार रात वाली कम करके देखिए, शुगर रीडिंग मॉर्निंग की फास्टिंग कितनी आती है। इट शुड नेवर कम डाउन बिलो 70, दैट इज अ डेंजर लेवल, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? करके देखिए थोड़ी सी टेपरिंग, और हाफ ऑफ दोनों टाइम ले सकता हूं? हाँ, धीरे धीरे आप बजाए पूरा करने के हाफ से शुरू करिए टेपरिंग, और कीप योर डायबिटोलॉजिस्ट और अपने डॉक्टर को भी कॉन्फिडेंस में लेके करें। मेडिसिन का मामला है वो, उसमें उनको मेरे से ज्यादा नॉलेज है, तो आप उनकी सलाह भी जरूर लें, ताकि उनको भी बता के करें, और बाकी तो आप खुद करके आपको रीडिंग्स आ जाएंगी तो पता चल ही जाएगा, राइट? सो चलिए फिर, बहुत दिन शुभ हो आपका, एंड बाय बाय, थैंक यू।